नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल YouTube हिंदी में और मैं हूं परवीन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं हरियाणा राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको हरियाणा जिले से गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में बिल्कुल विस्तार से बताऊँगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आपको किताबों में रट्टा फिक्शन ना करना पड़े। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हरियाणा राज्य के अंदर जो सबसे पहले यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो सन 1972 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा देखिए, जो हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं वो 1518 किलोमीटर लंबे हैं, और जो राजकीय राजमार्ग हैं वो हैं 2521 किलोमीटर लंबे, और जो प्रमुख जिला सड़कें हैं वो 1569 किलोमीटर हैं, और जो बस डिपो हैं वो हैं 24 टोटल, और जो सब बस डिपो हैं वो हैं टोटल 13, और बस स्टैंड विभागीय चालक प्रशिक्षण जो स्कूल हैं जहां पर जो बसों का प्रशिक्षण दिया जाता है चलाने का, वो टोटल हरियाणा के अंदर 7 हैं। तो देखिए, इसके अलावा है जो हरियाणा उदय है, वो हरियाणा की CNG बस जो सेवा होती है उनको बोला जाता है हरियाणा उदय, और जो हरियाणा शक्ति है वो जो हरियाणा की रोडवेज बस होती हैं उनको बोला जाता है हरियाणा शक्ति, और जो सारथी है वो एक वोल्वो वातानुकूलित बस सेवा शुरुआत की गई है जो चंडीगढ़ दिल्ली और गुड़गांव मार्ग पर चलती है। तो ये तो थी कुछ राजमार्गों से संबंधित सामान्य जानकारी। तो चलिए अब हम मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन से राजमार्ग हैं और हमारे हरियाणा के किन किन जिलों से वो गुजरते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हरियाणा राज्य के दो ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर ज़्यादातर हाईवे आकर मिलते हैं। तो वो ज़िले कौन कौन से हैं, देखिए एक तो है ये रोहतक, यहाँ पर हाईवे ज़्यादातर मिलते हैं आकर, ठीक है, और एक है अम्बाला, यहाँ पर हाईवे ज़्यादातर मिलते हैं आकर, ठीक है, और इसके अलावा भी एक दो जगह हैं वहाँ पर इतने नहीं मिलते, कुछ कम ही मिलते हैं। तो ये दो जगह हैं जहाँ पर ज़्यादातर हाईवे मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 1 की, ठीक है। तो नेशनल हाईवे नंबर 1 यहाँ दिल्ली से स्टार्ट होता है, और यहाँ से देखिए ये सोनीपत, पानीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र होते हुए यहाँ अम्बाला तक जाता है, और यहाँ से अम्बाला से ये आगे भी निकलता है इस तरह पंजाब की तरफ, तो ये आगे चला जाता है। तो हमारे हरियाणा में ये सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से होते हुए निकलता है। तो ये है नेशनल हाईवे नंबर 1। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेशनल हाईवे नंबर 2। तो नेशनल हाईवे नंबर 2 भी यहाँ दिल्ली से ही स्टार्ट होता है, यहाँ इस जगह से, और यहाँ से स्टार्ट होके ये फरीदाबाद और यहाँ पलवल होते हुए यहाँ आगे यूपी की तरफ निकल जाता है, ठीक है। तो ये है नेशनल हाईवे नंबर 2 जो फरीदाबाद और पलवल जिले से गुजरता है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 10 की, ठीक है। तो ये भी यहाँ दिल्ली से ही स्टार्ट होता है, और यहाँ से ये सबसे पहले यहाँ हमारे झज्जर में जाता है, उसके बाद ये रोहतक में जाता है, और यहाँ से होते हुए ये भिवानी के थोड़े से ज़िले में प्रवेश करते हुए, और ये हिसार होते हुए यहाँ से चला जाता है ये फतेहाबाद, और बिल्कुल सिरसा के बीचों बीच होते हुए ये यहाँ पंजाब की तरफ निकल जाता है। तो ये है नेशनल हाईवे नंबर 10, ये हमारे झज्जर, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा ज़िलों से गुजरता है। तो चलिए अब देखते हैं नेशनल हाईवे नंबर 8। तो नेशनल हाईवे नंबर 8 भी यहाँ दिल्ली से ही निकलता है, और यहाँ से ये सबसे पहले जाता है यहाँ गुड़गांव में, और गुड़गांव से होते हुए ये रेवाड़ी की ओर जाता है, और यहाँ से निकलता हुआ ये राजस्थान में जयपुर की तरफ सीधा चला जाता है, इस तरफ चला जाता है। तो ये है नेशनल हाईवे नंबर 8। तो यह हमारे हरियाणा के गुड़गांव और रेवाड़ी दो ज़िलों से गुजरता है। तो देखिए, इसके बाद है जो दिल्ली से हाईवे गुजरता है वो है नेशनल हाईवे नंबर 24। वो यहाँ से दिल्ली से सीधे यूपी की तरफ चला जाता है, ये देखिए, ये हमारे हरियाणा की तरफ नहीं आता है, तो इस हाईवे के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये है हाईवे नंबर 24। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 65 यानी कि 65 के बारे में। तो जो नेशनल हाईवे 65 है वो हमारे यहाँ अम्बाला से स्टार्ट होता है, यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से होता हुआ ये सबसे पहले जाता है यहाँ कुरुक्षेत्र में, फिर यहाँ कैथल में, और उसके बाद यहाँ जींद में,
और उसके बाद ये हिसार होते हुए और यहाँ भिवानी होते हुए और ये यहाँ राजस्थान में राजगढ़ की तरफ निकल जाता है। तो ये है नेशनल हाईवे नंबर 65 और ये हमारे हरियाणा के अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और हिसार से गुजरता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेशनल हाईवे नंबर 71 के बारे में। तो नेशनल हाईवे नंबर 71 यहाँ रेवाड़ी के बावल से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से यह जाता है यहाँ झज्जर की तरफ और यहाँ रोहतक पर और इसके बाद यहाँ जींद होते हुए और यहाँ पर जाता हुआ ये सीधा निकल जाता है पंजाब की ओर और पंजाब में यहाँ पड़ता है नेशनल हाईवे नंबर 64। यहाँ पे इस प्रकार से वो गुजरता है। तो यह नेशनल हाईवे नंबर 71 पंजाब के नेशनल हाईवे नंबर 64 पर जाकर मिल जाता है। तो अब हम देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे नंबर 71 है यह हमारे हरियाणा के किन किन जिलों से गुजरता है। तो रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक और जींद, यहाँ से यह नेशनल हाईवे 71 गुजरता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 22 की। तो नेशनल हाईवे नंबर 22 यहाँ अम्बाला से निकलता है और यहाँ इस प्रकार से निकलता हुआ पंजाब होता हुआ और पंचकुला होता हुआ ये यहाँ ऊपर हिमाचल प्रदेश की ओर चला जाता है। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं नेशनल हाईवे नंबर 72 की। तो देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हाईवे है, ये काफ़ी बार पेपरों में भी पूछा जाता है। तो मैं पहले बता देता हूँ कि ये कहाँ से गुजरता है। तो ये यहाँ अम्बाला से स्टार्ट होता है और अम्बाला से स्टार्ट होके यहाँ पर होते हुए यह सीधा यहाँ से यहाँ इस तरफ हिमाचल प्रदेश की ओर चला जाता है। तो यह हमारे हरियाणा के सिर्फ अम्बाला ज़िले से ही गुजरता है, उसके अलावा यह हमारे हरियाणा की किसी भी ज़िले से नहीं गुजरता है। इसी कारण ये प्रश्न काफ़ी बार पेपरों में पूछा जाता है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा हाईवे है जो सिर्फ अम्बाला ज़िले से गुजरता है। तो ये हाईवे है 72। तो 72 हाईवे सिर्फ हमारे हरियाणा के अम्बाला ज़िले से ही गुजरता है। आप वैसे चित्र में देख सकते हैं कि अम्बाला से काफ़ी सारे हाईवे गुजर रहे हैं, तो ये इसलिए आपको याद करना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेशनल हाईवे नंबर 73 यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 73 के बारे में। तो नेशनल हाईवे नंबर 73 यहाँ पंचकुला से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है ये और यहाँ से स्टार्ट होके ये यहाँ इस तरफ नीचे की तरफ अम्बाला में आता है और अम्बाला होते हुए यहाँ ये यमुनानगर में जाता है और यहाँ से ये इस प्रकार से यहाँ से ये सीधा इस तरफ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की तरफ ये चला जाता है। तो ये है नेशनल हाईवे नंबर 73। तो आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे नंबर 73 पंचकुला और अम्बाला और यमुनानगर ज़िले से होते हुए हमारे हरियाणा के ज़िलों से गुजरता है। तो देखिए ये तो हैं प्रमुख हाईवे, तो इनके कुछ छोटे बहुत पार्ट भी हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो नेशनल हाईवे 73 के बारे में मैंने आपको बताया है, इसमें से एक हाईवे फटता है नेशनल हाईवे नंबर 73A। तो वो यहाँ से यमुनानगर से स्टार्ट होता है और यहाँ से जाता हुआ ये इस तरफ से ये नेशनल हाईवे नंबर 72 में मिल जाता है। जो ये 72 है ये इस तरफ आ जाता है और ये 73A हाईवे है ये इसके अंदर मिल जाता है और ये यहाँ हिमाचल प्रदेश की तरफ निकल जाता है। तो ये है नेशनल हाईवे नंबर 73A। तो इसी तरह से दोस्तों नेशनल हाईवे नंबर 71 का भी एक पार्ट है, तो वो कहाँ से निकलता है मैं आपको बता देता हूँ। वो यहाँ से निकलता है रोहतक से 71A, इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे नंबर 71A और यहाँ से निकलता हुआ ये सोनीपत की तरफ जाता है और ये यहाँ पानीपत में आकर नेशनल हाईवे नंबर 1 पर मिल जाता है। तो इसका नाम है नेशनल हाईवे नंबर 71A जो हमारे हरियाणा के रोहतक, सोनीपत और पानीपत ज़िलों से गुजरता है। तो देखिए इसी प्रकार से नेशनल हाईवे 71 का एक और पार्ट है नेशनल हाईवे 71B। तो वो कहाँ से गुजरता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए नेशनल हाईवे नंबर 71B यहाँ रेवाड़ी से स्टार्ट होता है, यहाँ से, और यहाँ से होता हुआ वह रेवाड़ी से यहाँ निकलता हुआ सबसे पहले तो राजस्थान के कुछ इलाके में होते हुए ये मेवात में प्रवेश करता है और मेवात से होते हुए यह कुछ गुड़गांव के ज़िले से भी लगता है और यहाँ से यह इस तरफ पलवल की तरफ मुड़ जाता है और यहाँ पे यह नेशनल हाईवे नंबर 2 पर मिल जाता है। तो ये है नेशनल हाईवे नंबर 71B। तो यह हाईवे हमारे हरियाणा के रेवाड़ी, मेवात, गुड़गांव और पलवल ज़िले से गुजरता है। तो
तो चलिए अब हम बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 709 की। तो नेशनल हाईवे 709 यहाँ रोहतक से स्टार्ट होता है, यहाँ से यह डायरेक्ट हमारे हरियाणा के भिवानी जिले की तरफ जाता है और यहाँ से जाता हुआ ये इस तरफ से यहाँ राजस्थान की तरफ निकल जाता है और यहाँ से मुड़ता हुआ ये सीधा नेशनल हाईवे नंबर 65 पे जाकर मिल जाता है। तो ये है नेशनल हाईवे नंबर 709 जो कि हमारे हरियाणा के रोहतक और भिवानी ज़िले से गुजरता है। तो दोस्तों ये सभी वो हाईवे हैं जो हमारे हरियाणा के अलग अलग ज़िलों से गुजरते हैं और ज़्यादातर पर्सन इन्हीं हाईवे के बारे में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हरियाणा के अंदर नया ज़िला चरखी दादरी नहीं बना था तो हरियाणा में सिर्फ एक ही ज़िला महेंद्रगढ़ ऐसा पड़ता था जहाँ से किसी प्रकार का कोई नेशनल हाईवे नहीं गुजरता था। लेकिन जब यह चरखी दादरी नया ज़िला बना दिया गया है तो अब यह दो ज़िले हो गए हैं, एक तो महेंद्रगढ़ और दूसरा हो गया है चरखी दादरी। तो इन दो ज़िलों में से किसी प्रकार के कोई हाईवे नहीं गुजरते हैं, आप मैप के अंदर भी ये अच्छे से देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिए। महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी दो ऐसे ज़िले हैं जहाँ से हरियाणा में कोई भी नेशनल हाईवे नहीं गुजरता है। तो देखिए दोस्तों, मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी ऐसी वीडियो कंटिन्यू आगे देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो में मैं आपको हरियाणा की प्रमुख नदियों के बारे में बताऊंगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।